एक और बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेके आ रही है। लगातार ओलंपिक पे संकट कोरोना वायरस का गहराया जा रहा था। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज स्पोर्ट्स की लेके आ गया हूँ मैं लगातार ही। कुछ देर पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक मृत्यु हुई है यंग प्लेयर की, यंग कोच की, 21 साल के खिलाड़ी की डेथ हो गई। उसी बीच एक और खबर आ रही है जापान से, कोरोना वायरस की चपेट में आया है जापान ओलंपिक समिति का उप प्रमुख। अब खबर आ रही है जापान से, जहां पे टोक्यो 2020 के ओलंपिक गेम्स होने थे, वहीं के जो मेन चीफ, उप चीफ हैं, उप प्रमुख हैं, वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जापान ओलंपिक समिति के उप प्रमुख कोजो तासिमा ने मंगलवार को कहा है, आज के दिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है, जिसे एक बार फिर सवाल उठने लगे कि जापान में ओलंपिक की सुरक्षित मेजबानी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तासिमा ने एक बयान में कहा, आज मेरी जांच का नतीजा पॉजिटिव आया है। उन्होंने कहा, मुझे हल्का बुखार था, निमोनिया के लक्षण थे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टरों की सलाह पर अमल करूंगा। जापानी अधिकारी बार बार दोहरा रहे हैं कि जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि ओलंपिक या तो रद्द होंगे या स्थगित होंगे। तासिम्मा ने कहा कि 28 फरवरी से व्यावसायिक यात्रा पर थे और पहले बेलफास्ट जाकर फिर एम्स्टर्डम गए थे। उन्होंने कहा, वहां हर कोई गले मिल रहा था, हाथ मिला रहा था और गाल पर चुम्बन दे रहा था। इसके बाद वे अमेरिका गए और 8 मार्च को स्वदेश लौटे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जापान से आई है, जिसमें जो है जापान ओलंपिक समिति के उप प्रमुख जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ओलंपिक के ऊपर निश्चित है कि इस बार कोरोना वायरस की चपेट में ओलंपिक गेम्स भी आ जाएं। हर रोज खबर आ रही है कि फला इवेंट कैंसिल हो गए, फला इवेंट, हर रोज कोई ना कोई इवेंट कैंसिल हो रहा है। तो इस प्रकार की न्यूज लगातार स्पोर्ट्स के लिए भी खतरनाक है, डेंजरस है यानी, और ओलंपिक के ऊपर भी खतरा हो सकता है, ओलंपिक कैंसिल भी हो सकते हैं, स्थगित भी हो सकता है। ये थी एक और स्पोर्ट्स के क्षेत्र की न्यूज। अगर चैनल पे लास्ट पे जाते जाते एक बार बात जरूर बोलूंगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें और इस प्रकार की इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ी हर प्रकार की न्यूज हम लगातार आपको अभी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।